सामने देख सकते हैं, इतना अच्छा व्यू है। एक ये चीज है, अभी हम दोनों हो गए सेट, अभी हम निकल रहे एक राइड के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है और ज़्यादा पास भी नहीं है, टाइम लगने वाला है पहुंचने के लिए, और देखते हैं आज दिन की शुरुआत कैसी होती है बाहर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक राइड के लिए जा रहे हैं, रिटर्न आने का कोई प्लान नहीं है, अभी निकलते हैं रोड पर सीधे। और हमारी मैडम भी आज पूरी तैयार हो चुकी है, एकदम बन ढन के सेट, रेडी फॉर द रोड ट्रिप। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल चाल? जय महाकाल। केमन आछेन सबाई? सो आज अभी निकलते हैं और आप वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए बैग हो गया सेट, जैसे हो गया DSLR GoPro का सेट, ये इसके जो ट्राइपॉड्स वगैरह होते है, बैटरीज यहाँ पे, फोन चार्जर ऑल सेट, और साथ में पावर बैंक भी ले लिया मैंने। तो एक ट्रिप के लिए जो जो चाहिए होता है सारे चीज़ें अभी यहाँ पे मौजूद है। चिंता करने की कोई बात नहीं है कि नहीं? नहीं है ना? लेह लद्दाख भी चली जाओगी अभी इसमें है कि नहीं? ओके। तो एक ये चीज़ है जो, और वो है ये DSJ के फुल गॉन्टलेट ग्लव्स, जो कि है बहुत ही सुपर। मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखा देता हूँ, बाकी तो आप मोटो व्लॉगिंग के टाइम देख ही पाएंगे। तो ये हो गया इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। ये देखिए अभी मैंने टैग्स भी नहीं खोले हैं इसमें, तो एक छोटा सा अनबॉक्सिंग अभी मैं करने वाला हूँ। तो ये हो गए इसके ग्लव्स, अभी मैं ये टैग्स को रिमूव करने वाला हूँ। सॉरी, एक और टैग छूट गया जिसमें जेन्युइन लेदर का भी टैग दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ सम क्वालिटी स्टफ फ्रॉम DSJ। ओके, सो मैं अभी इसको बाद में पहन लेता हूँ जैसे मैं बाइक पे बैठूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको रख देता हूँ। क्यों? तो इसको बाद में अगर इसमें आ रहा था, तो अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको चुपचाप से अंदर ही रख दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए निकलते हैं और सीधा मिलते हैं आपसे रोड पे, अभी बज रहे प्रॉपर देर। A few moments later. रियली एक्साइटेड गाइस, आज सितारों के शहर में जाना है बहुत दिनों बाद, द सिटी ऑफ स्टार्स। एंड पुणे से ज़्यादा दूर भी नहीं है, ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर एक्सप्लोर करना है प्रॉपर तरीके से। एंड रोड ट्रिप सबको पसंद है बहुत ज़्यादा। निकलते हैं सीधे। ज़्यादा नहीं भगाऊंगा क्योंकि जो ट्रिप है काफ़ी लंबा है, तो इसलिए आराम से धीमे धीमे चलेंगे टाइम को मैनेज करते हुए।
मूर्ति क्रॉस कर चुके हैं और लोनावला का रास्ता पकड़ने वाले। अब लोनावला क्रॉस करके ही आगे का जर्नी जो है चालू होगा। ये हो गया आपका देहू रोड। अब वहाँ पे देख सकते हैं मुंबई जो है 123 किलोमीटर, लोनावला देन वडगांव यहाँ से जो है 10 किलोमीटर है। इसका जो दिन है सच में ऑसम वेदर है। और यहाँ से तलेगांव जो है ओनली 5 किलोमीटर जो कि है स्ट्रेट। और यहाँ पे आ गया है टोल और ये टोल क्रॉस करते हुए क्योंकि अपन को रुकना नहीं है, फोर व्हीलर जो है धीरे धीरे आते रहेंगे। और ये है कलश मंदिर जो कि हाईवे के राइट साइड में है। और ये देखिए ये वादियाँ इतनी खूबसूरत एकदम हाईवे के बीचों बीच। और मैं अभी हूँ फर्स्ट गियर में एट 3000 RPM। और यहाँ से जो है लोहगढ़ जा सकते हैं ना। ओके, तो यहाँ से लोहगढ़ जा सकते हैं। सामने भी बाइकर्स, यहाँ पे भी बाइकर्स। रॉयल एनफील्ड पे हूँ पर वेयरिंग ओनली द रॉयल एनफील्ड बूट्स। मैं एक जो है जैकेट पहना हुआ हूँ DSJ का एंड वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल DSJ ग्लव्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड एक राइडिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे इन्हेंस कर देती है। सो दिस इज़ द पेट्रोल पम्प विच इज़ ओपन 24/7, 24 घंटे खुला रहती है ये। थोड़ा सा कंजेस्टेड रोड्स, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में हो गया। एक गांव है शायद आगे, तो इसलिए एक बोर्ड में दिखा गया कि विलेज अहेड। ओके, सो खुली खुली सड़कें, खुला खुला आसमान, जा रहे हैं हम आपसे बातें करते हुए सपनों की दुनिया में। काफ़ी दिनों बाद देखते हैं मुंबई आज स्वागत कैसे करते हैं हमारा। साथ में है अंकिता। सो कंपनी है, मौसम है और क्या चाहिए। और सुबह सुबह जो है चाय पी लिए है हमने। यहाँ से जो लोनावला है वो है 28 किलोमीटर। टाइम मैनेजमेंट आज कैसे होता है, कितनी देर में पहुँचते हैं, क्योंकि जो है एक स्टेडी स्पीड, नॉट ज़्यादा स्लो नहीं पर एक स्टेडी स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। और यहाँ से एग्जैक्टली जो मुंबई है अभी जो ये पॉइंट से जस्ट 128 किलोमीटर। सो 128 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट चलते हैं। आगे रोड का काम है और मुझे थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिख रहा है, तो जैसे ही रोड खुली मिलती है और अच्छे खासे जो सीन्स वगैरह चालू हो जाते हैं फिर से दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए थोड़ी राइड कर लेते हैं और थोड़ा जो है डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। A few moments later. कोई भी इशू नहीं है, कुछ पॉटहोल्स वगैरह कुछ नहीं है। आप सामने देख सकते हैं इतना अच्छा व्यू है। शायद अभी फॉग के कारण आपको ये व्यू नहीं दिख रहा होगा। ये साइड जो है ये बहुत ही क्लियर है। आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा एक व्यू आप देख पाएंगे यहाँ से। और हम चले मुंबई की ओर। अभी हर टाइम जो है हम आपको हर एक चीज़ नहीं दिखा पाते क्योंकि कैमरा हर टाइम हम ऑन करके नहीं रख सकते, तो इसलिए जब भी कुछ दिखाने लायक चीज़ रहती है, जो भी कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग सी एक कोई व्यू रहती है तभी हम
आपको दिखाते कि कैसा है ये और मैं कैसा फील कर रहा हूँ वो भी आप समझे और आपको भी ये देख के मज़ा आए। आशा करता हूँ कि मेरी जो वॉइस है काफ़ी क्लियर आ रही होगी आपको, क्योंकि अभी जो है मुझे बहुत ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन से विंड ब्लास्ट हिट कर रही है। मैं अभी हूँ एग्जैक्टली 80 पे एट 3900 RPMs, ऑलमोस्ट 4000 RPMs। विंड आगे से काफ़ी ज़्यादा हिट कर रही है और मैं अभी अपहिल की तरफ जा रहा हूँ, मतलब ये अपहिल रोड हो जा रही है, थोड़ी ऊपर की तरफ है जहाँ पे मुझे गाड़ी खींचनी पड़ रही है और बहुत ही स्मूथ, मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि गाड़ी एकदम एक नॉर्मल रोड हिसाब से चलती है, ठीक इसी हिसाब से यहाँ पे भी चल रही है। टेरेंस में वाइल्ड पुलिंग गाड़ी में कोई भी इशू नहीं है, काफ़ी स्मूथ जा रही है। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा एक नज़ारा, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू। शायद ये कोई छोटा तालाब या कुछ ऐसा बना है और ये एक प्रॉपर डैम का जो है मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख पाते हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए। और टैंक में मैंने माउंट कर दिया है ये टैंक बैग, जो कि मेरी हीर की खूबसूरती को आज ढक के रखी है। आज आप जो है हीर की खूबसूरती वीडियो पे उतना नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैंने टैंक बैग सामने माउंट किया हुआ है। और काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे है, मेरा पावर बैंक है, माइक्स वगैरह है, DSLR है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज जो है मुंबई पहुंचेंगे विदाउट एनी स्टॉप, ये मेरा एक कमिटमेंट है कि मुंबई आज पहुंचेंगे विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल मशीन अगर किसी के पास हो या इफ़ एनीवन इज़ ओनिंग सच अ ब्यूटीफुल मशीन, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक फॉर 150 किलोमीटर डिस्टेंस, जो कि आई होप मैं बहुत कंफर्टेबली इसको कवर कर दूंगा एट अ वेरी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हाइपर राइडिंग कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं आज बहुत ही कम हाइपर राइडिंग करने वाला हूँ, हाइपर राइडिंग करूँगा ऐसा नहीं कि मैं 80 या 100 में ही क्रूज करूँगा, आई विल डू सम हाइपर राइडिंग बट उतना नहीं करूँगा जितना मैं नॉर्मली जो है लोकल रूट्स में या छोटे मोटे डिस्टेंसेस के लिए करता हूँ। राइड अगर मैं इस पर ज़्यादा हाइपर राइड करूँ तो दिमाग में ज़्यादा जोर पड़ती है कि गाड़ी कहाँ से आ रही है, मुझे कहाँ से कहाँ मैनूवर करना है, क्या नहीं क्या ये, तो इससे क्या होता है कि इंसान थक जाता है, ट्रिप ख़त्म करने से पहले इंसान थक जाता है। सो दैट शुडंट बी द केस, मैं स्मूथ राइड करूँगा, एक स्टडी स्पीड मेंटेन करूँगा जो अभी मैं मेंटेन कर रहा हूँ 80-100 के स्पीड में डिपेंडिंग ऑन द रोड्स, क्योंकि इसका जो 100 है वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाला 100 हो जाती है। तो आई विल बी कीपिंग दिस व्हीकल इन बिटवीन 80-100 और बाकी आप अभी जो है व्यू देखिए। अभी हम पहुंचे हैं लोनावला चिक्की एंड फज। ये एक लॉज हो गया, सो कोई लोग जो मुंबई जाना चाहते हैं वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। रेडी हो चुकी है ना, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा फ्रेश होने के लिए, है ना? तो फ्रेश हो गई? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा। धूप कितना है? बहुत ज्यादा है ना धूप? धूप बहुत ज्यादा है, बहुत गर्मी भी लग रहा है अंदर। पर जैकेट तो पहनना ही है क्योंकि हाँ। ऊपर से तुमने राइडिंग जैकेट नहीं पहनी है, चीज जो है रात के टाइम ठंडी लगने वाली है, तो अभी तो फिलहाल उतना समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मेरे पास है ना दो गर्म गर्म, ये भी गर्म है अंदर का भी गर्म है। अच्छा, दोनों ही गर्म है।
तो ठंडी से कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं है, इसमें कैप भी है। ओके, तो ये एक अच्छी बात हो गई। ये देखिए नीचे से लेके एकदम ऊपर तक सेट। इसका रेटिंग भी मैंने देखा, एक नंबर रेटिंग है।